हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, फायर सीजन आ चुका है। फायर सीजन बोले तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, चीड़ के पेड़ होते हैं, तो जो चीड़ की पत्तियां होती हैं उनमें बड़ी जल्दी आग लग जाती है। तो आजकल गर्मियां हैं तो गर्मी शुरू हो गई है, वैसे धूप काफ़ी रहती है तो पत्तियां गिरती हैं तो उसके बाद उनमें आग बड़ी जल्दी लग जाती है। तो दिखाते हैं हम आपको हम क्या करने वाले हैं। ये हमारे सोनू जी हैं, वो तैयार हो चुके हैं कुछ औजार लेके, तो वो घर है। तो हम सोच रहे हैं कि इस एरिया में हम एक पट्टी निकाल देंगे पूरी 1 मीटर की, तो अगर इस जंगल से इधर जंगल से कभी आग आएगी तो घर की ओर नहीं आएगी। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, बने रहिए वीडियो में। आप अगर सोनू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। क्या बोलूँगा सोनू जी, दर्शकों को हाय बोल दीजिए। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और एक कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं तो पहाड़ी सी बढ़िया सी वीडियो बंद कर। क्या दी प्रस्तुति यहाँ दे रहे हैं, एक जोड़ मार दीजिए। अभी देंगे हम एक खतरनाक वाली परफॉर्म। दो ये काट रहे हैं हम, बैग है गिल पे गिल लूने हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में अगर जंगल के आसपास आपका घर है तो आपको फायर सीजन में काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो क्योंकि आग कभी भी अचानक से कहीं से भी लग जाती है तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे कि हमारे घर के आसपास नुकसान ना हो। तो इसी में हमने ये पूरा इतना एरिया क्लीन कर दिया है, तो यहाँ से हम ऐसे काट देंगे इसको और ये ऊपर सीधे रोड में जा रही है। ये रोड से नीचे को इतना और यहाँ से 1 मीटर की हम चौड़ाई में ऐसे इसको घास वास सब साफ कर देंगे। जिस अगर कभी आग लगती है, क्योंकि जंगल काफ़ी सूख चुका है, लगातार धूप आ रही है तो फायर सीजन चल रहा है, अगर इधर जंगल से कभी आग आती भी है तो यहाँ से ऊपर को नहीं आ पाएगी। ये नीचे नीचे ही आग जल के बुझ जाएगी। तो दोस्तों कभी रात में कभी आग लग और हम सोए हैं तो हमें पता नहीं चला तो नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए फायर सीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो और हम उनसे भी अपील करते हैं जो जंगल के आसपास रहते हैं, वो भी अभी टाइम से अपने आसपास ऐसी व्यवस्था बना लें जिससे कि घर के आसपास आग ना आए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। तो दोस्तों सो पा रहे हैं, सोनू जी लगे हैं पूरी सफाई करने में, और अभी हम यहाँ से ऊपर को भी करेंगे। यहाँ से ऊपर को एक पूरी 1 मीटर चौड़ी पूरी सफाई करेंगे जिससे कि आग ना लगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और हम आगे आपको और चीज़ें बताएंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें, तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। और जो हमारे ब्लॉग में नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि उत्तराखंड के बारे में बहुत सी जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से देंगे आपको। तो आप बने रहिए वीडियो में और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, आप देख पा रहे हैं हमने पूरा यहाँ से लेके ऊपर रोड हट तक पूरा क्लीन कर दिया है, और जो ये सूखा हुआ घास है हमने सब निकाल दी है और यहाँ से नीचे को हमने पूरा क्लीन कर दिया है। तो कभी भी अब आग लगेगी तो ये हमारे घर की तरफ आग नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ अगर आपके आसपास जंगल है आप भी कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार हो, नमस्कार। और पंडित जी क्या हाल चाल हो रहे हैं आपके। आज तो पंडित जी ने धोती धाती सब पहन ली। सो गाइस, हमारे पंडित जी का आज थोड़ा सा पूजा पाठ करने का प्रोग्राम है, तो वो लगे हैं अपनी व्यवस्था में और ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है। बने रहिए। कौन से वाले, जो मैंने परसों माला बनाई थी। ठीक है लेके आ रहा हूँ। बोले फूल लेके आओ, तो फूल लेके आते हैं पंडित जी के लिए। गाइस, हमने पेड़ लगाए थे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हो रहे हैं। वाह, ये देखिए कितना बेहतरीन फूल आ रखा है इसमें, ये देख सकते हैं आप। उस दिन हमने लगाए थे, आपने देखे थे वीडियो में, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल आया है। तो सुबह ये दिख रहे हैं आपको फूल। अब यहाँ से हम 4-5 फूल तोड़ के पंडित जी को दे देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। कौन से क्या लाएंगे हम, कॉलगेट। मजाक मत करो, कॉलगेट नहीं होता है तो क्या होता है, चॉकलेट होता है, बता दो। गंडे लगाने पड़ते हैं, बिगड़ गया है लड़का।
चलो हम दुकान से इसको गंडे लगाने पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? भगत चाचा थोड़ा है, पंडित जी है वो। पंडित जी बोल, पंडित जी बन गंदा बच रे जा, इतना बड़ा लंबा जी। हाँ ये देख तो धोती कैसे पहन रखी है। हाँ आपने नहाया? पूछो आपने नहाया? हाँ फिर क्या? क्या आपने नाश्ता करा को? आपने नाश्ता करा? नाश्ता नहीं करा अभी, करते ही पूजा करने की बात करेंगे ना। अच्छा हाँ टीका लगा तुमको? तुमको लगा के टीका लाओ, आओ इधर आओ। ॐ बालकानां भद्रमद्युं चात्वा पात्रणं निशां मध्ये चन्दनं तिलकं ललाटसंशोभितम् आयुष्मान् भवः। श्यामजबुद्ध्यजो इतना बड़ा लंबो वाले बड़ा हो जा। थैंक यू। हाँ लखनऊ भाई सुनो जी, गुस्से में क्यों हो? पानी डालता है सुबह सुबह मोहन साला कंजू जी, आज से सुबह पानी चाहिए रोज, नहीं तो शाम को नहीं डालूंगा मैं भी। हम कब डाल रहा है? बहना नहीं चाहिए पानी। सुनो जी गुस्सा नहीं, नहीं तो सुबह भी नहीं डाला है। सुनो जी गुस्सा नहीं, बढ़िया लग रही है ना, नहला दिए क्यों गाइस? शाम का टाइम है और सोनू जी निकल चुके हैं इवनिंग वॉक पे। सो गाइस सोनू जी निकल चुके हैं इवनिंग वॉक के लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए। नहीं मुस्कुरा क्यों रहे हैं पता नहीं, सोनू जी मुस्कुरा क्यों रहे हो आप? चिंता मैडम घंटा भर खा रही है, मुस्कुरा नहीं, हमें तो लग रहा है कि हम मुस्कुरा रहे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो सोनू जी कुछ दर्शकों को आज सुनाना चाहेंगे आप एक छोटी सी प्रस्तुति? दर्शक इंतजार में बैठे होते हैं कि कब सोनू जी हमें प्रस्तुति दें और हम उसे सुने। एक आना है हम तुमको बताएंगे, वो उसका हमको तुम जवाब दो दोस्तों, क्या है उसका आंसर? तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली और एक पहाड़ी मन चुआई, सफेद घोड़ नाड़न है गो और लाल घोड़ न भी वापिस है गो, की भ तू हिट में हूँ कि भ सब ने जवाब से हमको कमेंट में फट बताओ भागी। सो गाइस सोनू जी ने आपको आने दे दिए हैं, सोनू जी को आपको आने दे दिए हैं, आप उन्हें सुलझाते रहो और कमेंट में बताना।